आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कोर्ट मैरिज करने के बाद पति पत्नी ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जारी किया सोशल मीडिया पर वीडियो। मामला आजमगढ़ जिले के बिलेरियागंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर गांव का। सोशल मीडिया पर जारी की गई वीडियो में युवती ने बिलेरियागंज पुलिस और अपने परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज किया है, जिसकी नोटिस बिलेरियागंज और आजमगढ़ पुलिस को भेज दी गई है। इसके बाद भी मेरी फैमिली मेरे पति की फैमिली को परेशान कर रही है, और जब मैं पहली बार घर से भागी थी तो मेरे पापा मुझको जबरदस्ती पकड़कर बिलेरियागंज थाना ले जाकर मेरे ऊपर दबाव बनाकर मेरे पति के खिलाफ बयान दर्ज करवाएं। युवती ने कहा कि मेरे चाचा पुलिस में रहते हैं, जिनके प्रभाव में आकर बिलेरियागंज SI ओम प्रकाश यादव हम पर और हमारे पति पर बिलेरियागंज थाने पर हाजिर होने का दबाव बना रहे हैं। तो वहीं युवती के पति सोनू भी वीडियो में बोल रहा है कि हमको बिलेरियागंज थाने की पुलिस ये कहते हुए बुला रही है कि तुम्हारे ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज है, जल्दी से हाजिर हो जाओ। अगर हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना घटती है तो उसका पूरा जिम्मेदार लड़की का परिवार होगा। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल की खास रिपोर्ट। ग्राम गद्दोपुर पुष्ट बिलेरियागंज जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। साकेत कोर्ट 19/7/2021 को मैंने सोनू पुत्र महेंद्र राम के साथ शादी की साकेत कोर्ट में, और हमने आजमगढ़ और बिलेरियागंज में नोटिस भिजवाई थी कि हमने शादी कर ली है, और फिर भी इससे मेरी फैमिली खुश नहीं थी, और वो फिर भी आप मेरी फैमिली इनकी फैमिली को परेशान कर रही है, झूठे केस में फंसा रही है। जबकि जो बयान और FIR लिखी गई थी वो मेरी मर्जी से लिखी नहीं गई थी। मेरी फैमिली में मेरे चाचा UP पुलिस में हैं, और ऐसे ही सभी लोग झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। मैं सोच रही हूँ कि ये सब ख़त्म हो जाए। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, और सभी लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो हम लोग दबाव में आके कुछ भी कर सकते हैं। और इसकी जिम्मेदार लड़की की फैमिली होगी, और इसमें किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, और इसमें हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। तो इसमें हम क्या करें, और अब बस हम यही चाहते हैं कि ये सब शांत हो जाए। अब हम दोनों लाइफ टाइम तक एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं, अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जब मैं पहली बार गई थी इनके साथ तो मेरे पापा ने मुझे पकड़ के लाया फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने बिलेरियागंज थाने में मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाए, जिसमें लिखा गया था कि ये मुझे ज़बरदस्ती लेके गए हैं, जो कि मैं खुद की मर्जी से ये बयान नहीं लिखी थी, वो ज़बरदस्ती दिया मतलब मुझसे दिलवाया गया था, तो इसलिए उस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं वो। जबकि मैंने एप्लीकेशन में लिखा था कि जो कुछ भी है वो मेरे विरुद्ध मेरे मतलब मेरे जो बयानों के विरुद्ध हुआ था। वहाँ के एक SI हैं ओम प्रकाश यादव, वो मेरे चाचा के फ्रेंड हैं, इसलिए वो उनका साथ दे रहे हैं और सभी पे उल्टी सीधी कार्रवाई कर रहे हैं। और बस हमें टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम बिलेरियागंज आके गवाही दो, और हमने ये सब पहले ही कर लिया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं। बस वो कह रहे हैं तुम्हें पे 376 लगी है, 76 लगी है, अगर तुम नहीं आओगे तो ऐसा ही 364 लगी है और 366। और ये इनके बयानों के विरुद्ध है, और इसी के ऊपर वो कार्रवाई करे जा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।